हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर आईटी 402 सीबीएसई हंड्रेड टू एस ई क्लास नाइन ऐसे वन में यूनिट वन फंक्शनल इंग्लिश यूनिट टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यूनिट थ्री टाइपिंग ट्यूटर यूनिट फोर वर्ड प्रोसेसर यूनिट फाइव स्प्रेडशीट यूनिट सिक्स डिजिटल प्रेजेंटेशन यूनिट सेवन ई बात करें ऐसे में तो मुझे हम लोग को दो मेन चैप्टर पढ़ना है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसर फंक्शनल इंग्लिश और टाइपिंग ट्यूटर फंक्शनल इंग्लिश में फंक्शनल इंग्लिश इंग्लिश का पार्ट है जो कि आपका इंग्लिश में कवर हो जाएगा और टाइपिंग ट्यूटर प्रैक्टिस का है तो बेसिकली दो मेन चैप्टर पढ़ने हैं एस ए वन में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसर और एस ए में स्प्रेडशीट डिजिटल प्रजेंटेशन और ई थैंक यू हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ सी क्लास नाइन आई टी सेशन वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके डिटेल नोट्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया हुआ वहां से आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग system is a software that control and manage all the Parts of computer system. It acts as an interface. Between User and Hardware Example Unix Windows क्स डॉस दीज ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो बात करें वॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर डेट कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर है जो कि इस कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट को मैनेज करता है जैसे सी पी ओ हो गया मोनिटर हो गया सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया और ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने कंप्यूटर को बोला कि फ़ाइव इंटू टू ऑपरेशन करना है तो हम लोग क्या हो गए यूज़र हो गए तो कंप्यूटर समझा कि नहीं यूज़र ने कुछ कमांड लिया हमको करने के लिए फ़ाइव इंटू टू तो कंप्यूटर क्या करेगा अपने ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सी को रिक्वेस्ट करेगा ये ऑपरेशन करने के लिए तो सी उसको फाइव इंटू टू टेन करके दे देगा अब उस रिज़ल्ट को हम लोग को डिस्प्ले भी करना होगा तो उस डिस्प्ले करने के लिए वो एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि मॉनिटर पर वो रिक्वेस्ट करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा वो उस, 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 उस रिज़ल्ट को मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देगा तो हम तो इससे हमारा रिजल्ट पता चल गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक यूज इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो भी हम लोग कमांड देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड्स को कंप्यूटर से करवा के उसका रिज़ल्ट हमको देता है जैसे कि यूनिक्स हो गया एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिक्स हो गए विंडोज़ हो गए लाइन हो गया डॉस हो, हो, हो गया कोई भी कंप्यूटर हो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो नहीं चलता है सारे कंप्यूटर में विंडोज़ देखे होंगे हम लोग जो भी ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है विंडोज़ देखा होगा तो विंडोज़ क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बिना विंडोज़ के कोई भी काम नहीं हो सकता है तो कोई भी कंप्यूटर को वर्क करने के लिए कोई भी चीज़ हम लोग को वर्क करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एसेंशियल है तो सबसे पहले कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए कोई भी काम को ऑपरेशन करने के लिए कोई भी चीज़ को काम करने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या बोलेंगे एक सॉफ्टवेयर है जो कि सारे कंट्रोल और मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम को और एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच पे इसके एग्जांपल हो गए यूनिक्स विंडोज लाइन डॉस डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हम लोग जो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं इंडिया में ज़्यादा यूज होता है वो है विंडोज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू